हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल माय ड्रीम बाय लकी सर में। तो बच्चों स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा सीटेट एमपीटेट को लेके है, सामाजिक विज्ञान। अगर आप सीटेट एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें आज का वीडियो। अब बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर। यहाँ पर आप देख रहे हैं माई ड्रीम बाई लकी सर बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल फॉर रेलवे एसएससी पीईबी सीटेट एमपीटेट यूपीटेट ईटीसी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर लेटेस्ट अपडेट। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सीटेट यूपीटेट एमपीटेट की परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों आज के। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सभी लोग आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका भी, नोट कर लें, 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों स्क्रीन पर, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले अनुसरण करना चाहिए, किसका अनुसरण करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों स्क्रीन पर, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, देशांतरों का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है क्या है? हीलियम यूरेनियम हाइड्रोजन अल्फा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, नोट कर लें हाइड्रोजन इसका बच्चों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों स्क्रीन पर, अगर आप सभी लोग आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर था आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इसका सी आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर फोर, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर फोर, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? क्वेश्चन नंबर फोर का बच्चों आप सभी का आंसर सी करेक्ट होगा, गैलीलियो, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है? क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चों स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करके बता दें क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फाइव का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, नोट कर लें 28 दिन। ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमने में यानी एक चक्कर लगाने में 28 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों स्क्रीन पर, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर सिक्स का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, नोट कर लें 1016 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है? ठीक है, प्रतिकर्षण बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण, किसी अज्ञात कारण से? क्वेश्चन नंबर सेवन है बच्चों स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर सेवन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, नोट कर लें सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सूर्य विकिरण एवं सौर पवन के कारण, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है बच्चों स्क्रीन पर, ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक डैश 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 को अवशोषित कर लेते हैं?
क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, पराबैंगनी किरणें। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, बादल किस मंडल में अवतरित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। बादल किस मंडल में अवतरित होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, क्षोभ मंडल। ठीक है बच्चों, नोट कर लें, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, क्षोभ मंडल में। बादल की जितनी भी समस्त घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रग्रहण कब घटित होता है। बच्चों आपको बताना है कि चंद्रग्रहण कब बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, पूर्णमासी के दिन चंद्रग्रहण बच्चों कब होता है, पूर्णमा के दिन होता है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों स्क्रीन पर, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे के पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों स्क्रीन पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों स्क्रीन पर, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, नोट कर लें, 4.3 सेकेंड। ठीक है, आपका बी इसका राइट आंसर होगा, 4.3। ठीक है बच्चों, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यात्रा करती हुई सूर्य की समीप आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका सी, नोट कर लें, परिहेलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों स्क्रीन पर, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, टाइटन है ना आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। 15 का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, नोट कर ले, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बी इसका राइट आंसर होगा, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह का रंग होता है लाल पीला हरा नीला। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए, मंगल ग्रह है आपका लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों स्क्रीन पर, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, समदाब रेखा, नोट कर ले, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्रीन पर, हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए, हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति शुक्र यूरेनस नेपच्यून। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यूरेनस। ध्यान करें, यूरेनस ग्रह आपका हरा प्रकाश छोड़ता है। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो यानी मॉडल पेपर पार्ट सेकंड के साथ। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें जिससे कि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।